इस T20 मैच में लोगों के आवाज के साथ में आपको एक और आवाज सुनाई दी होगी। आज के D20 में हम इसी आवाज करने वाले भोपू को बनाएंगे। इसको बनाने के लिए ये PVC पाइप का टुकड़ा, ये टी जॉइंट, एक पॉलिथिन का छोटा टुकड़ा और ये सेलो टेप चाहिए। सबसे पहले हम टी जॉइंट के एक साइड में ये प्लास्टिक के टुकड़े को अच्छे से लगा देंगे। अब हम इस टी जॉइंट के दूसरे एंड में इस पाइप को डाल देंगे। पाइप और टी जॉइंट के बीच में कोई भी जगह ना बचे, यानी कि ये एयर टाइट हो जाए, इसलिए हम इसमें ये रबर का टुकड़ा डाल देंगे और फिर लगाने पर ये एकदम एयर टाइट हो जाएगा। इस रबर के टुकड़े के जगह आप ये सेलो टेप या फिर पेपर के टुकड़े को भी यूज़ कर सकते हो। इसको बजाने से हमारे फेफड़े तो तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन अगर किसी के कान के पास में बजाए तो उनके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। जब हम फूंक मारते हैं तो हवा इस पाइप से होकर इस प्लास्टिक को वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशन इस पाइप के एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव्स बनाती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। ये साउंड हम तक हवा के कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन से पहुंच जाती है। अगर इस पाइप के एंड में हम ऐसा एक पेपर रोल लगाए तो पाइप के लेंथ को कम ज्यादा करके हम इस साउंड के फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। इस भोपू को आप एक पेपर स्ट्रॉ और पेन के ढक्कन में छेद करके भी बना सकते हैं। तो आप इस D20 के भोपू को बनाएं और दिवाली में जरूर बजाएं। थैंक यू।